हाँ जी, वो तो हमें नहीं मालूम है, ऊपर वाला मालूम है। दुनिया में कहीं और भी केसर है? और केसर नहीं, एक ही। किसी और जगह पे भी केसर सुनाते हैं? केसर सुनाने वाले तो होगा शायद दुनिया में, वो तो होगा ना, हमने नहीं सुना। और यहाँ हिंदुस्तान में तो नहीं होगा, लद्दाख में होगा कोई सौ में से एक दो, और कामुल में एक सौ में से एक दो होगा, ब्लोपा में भी सौ में से एक दो होगा, मगर आपको रिकॉर्डिंग पास करने वाले नहीं मिलेगा। दो तीन दिन लिंग तो और किसी ने भी बोलेगा, सौ में से एक दो ने बोलेगा। लद्दाख के बाहर कहीं और दुनिया में कहीं? दुनिया में, हाँ दुनिया मुल्क मुलू हमने नहीं सुना, वही बोलता हूँ मैं। चाइना में हो सकता है, चाइना भी शायद होगा, चाइना में होगा शायद, मुझे ना मालूम, नहीं सुना। आपने नहीं सुना? नहीं सुना, चाइना में ये गाने वाला है, नहीं सुना। चाइना में हम कौन पहुँचता है? तो केसर कहाँ का रहने वाला था? वो केसर है पहले लिंखा सरकू, मैंने बोला ना आपको, लिंखा सरकू जो है यहाँ एक कब्जा था पहले, एक दो तीन या पाँच घर वाला घर था, उसमें एक बूढ़ा और बूढ़ी था, उसको नहीं कैसा अभी नहीं, क्या लिंकर सर को लिंकर, कहां पर है? लिंकर सिरकू घर ये तीन लो, वो लिंकर सिरकू पहले जमाने में रिकॉर्ड का बोलता है, ले है बोलता है लद्दाख, ले लिंकर सिरकू ले। होरियुल जो है, होरियुल दे दिया ना, होरियुल है यकेन, और दुदुल है कर दो इसी तरह से। अच्छा, हाँ कर दो दुदुल। हाँ जी, टुयुल है जापान, हाँ टुयुल बोला है ना, हाँ जी, और बोला सोयुल, सोयुल सोयुल है जी जर्मन, अहायुल है जी आप इसो का गिराया ना, वो बोलता है इसी तरह है, वो नागालैंड, नागालैंड का वो बाचे का क्या नाम है, वो गांव का नाम नागालैंड है, वो आजकल के ज़माने में पहले बोलता था अहायुल आप इसो के, क्यों आदमी का गोश्त खाने वाला था सारा ही, अभी नागालैंड में भी हो है बोलता है। Kesar disguised himself as a smith's son and remained in Hor. One day, the king of Hor held a competition for the warriors of Hor. They had to bend the famous bow which he had seized from Ling. All the warriors tried, but none could lift it. Kesar, still disguised as Smith's son, lifted the bow and bent it in such a way that it broke, and the bowstring caught the king's neck, who was almost choked. The next morning, before sunrise, in full armor, Kesar climbed into the palace. The king of Hor and Duguma were stunned to see Kesar standing before them in all his glory. "I am Kesar, king of Ling. You have destroyed my country, married my wife, killed my friends. My subjects you have enslaved, and my possessions you now enjoy. I am here to take back what is mine and to destroy you." Duguma was distraught. At that moment, both men meant the same to her. One she had chosen, and the other had fathered her son. Kesar killed the king of Hor. He destroyed the king of Hor's possessions and started on his journey back to Ling, taking Duguma with him. Nada, esto no se lo lleva.
On the banks of the river Indus are some five villages inhabited by the Brokpas. The Brokpas are supposed to be pure Aryans. Some say they are the descendants of Alexander's Greek army. They are recent converts to Buddhism, and although their ethnicity and language is quite different from the rest of Ladakh, Kesar is equally popular here. केसर का कहानी जनाब हमारा बाप का पास था. मैं बाप के साथ चलते थे पहाड़ में, हम बकरे के साथ रहते थे. उस बखर बाप रात को गाते थे, ऐसे होते लड़का ऐसे होते बोलते थे. बाप से मैंने इंटरव्यू करके बाप से मैंने सीख लिया जनाब, और किसी से नहीं, दाएं बाएं से. तो ये कितने साल पहले की बात है? ये कम से कम मैं छोटा 8-10 साल से बाप का साथ बैठा. मैं 20-25 साल था, मैंने क्लियर किया इसको. अभी हमारा 55 है जान. आजकल सीखना मुश्किल है. तो आपको कोशिश करता हूँ, अपना दो पोते हैं उनको लिए मैं सीखना कोशिश करता हूँ, मगर आए उसमें खजमत पर है कि नहीं, आएगा कि नहीं. सर्दी का मौसम में ज़्यादा चलते हैं ये बिला होते हैं ना, रात लंबा होते सर्दी के मौसम में ज़्यादा चलते हैं. लड़कियों को ये ऊन करना होता है, उसका धागा बनाना, और लड़का लोग का चमड़ा नरम करना, और जो बकरी के बाल है उसको बनाना रस्सी बनाने के लिए. तो टाइम गुजार करके उन लोग रात को 2-3 बजे तक हिसाब, आजकल तो घड़ी की बात करते ना, उन लोग तो पहले तो तारा गिनते थे. आजकल तो वह जो जल्दी जल्दी सोचे थे एकदम, फिर भी हमको रोना आते कभी कभी ये याद आकर, बहुत दुख हो जाता है. आजकल आदमी नहीं होते, इससे बड़ा कोट पहनते है 100-150, 1000-2000 का, मगर उसमें कोई फायदा नहीं ना. अपना देश का भी, अपना गांव का भी रिस्म रिवाज रखना चाहिए था, वो रखता नहीं जाना, क्या करें, मुश्किल है. In Ling, Duguma was made to live in a tent. She was given the hardest of tasks to do. She endured this for many, many days. Then one day she came to Kesar and said, I did not go with the King of Four willingly. It was 3 years after you left that the King of Four invaded and destroyed Ling. He came to take me, and I stalled him for 27 years. There was no sign of you. Finally, I had no choice but to go with him. Where had you been sleeping all that time?
hearing this, Kesa was filled with remorse. Oh, dear companion, true love has proved fragile, and passing love so disastrous and compelling. It divides us and keeps us apart, but both of us utterly share its sorrow and pain. And he took Duguma's hand, and together they went to the Ling Castle, where she was restored as the queen of the land. आपको हर चीज में याददाश्त अच्छी है कि सिर्फ केसर की कहानी में? वो केसर हर चीज में क्या होता है, उसके बाद कुछ नहीं है। नहीं, और जैसे रोजमर्रा की चीजें होती हैं आपको याद रहती हैं? वो तो रहता है, वो तो रहता है। मैं बचपन 8 साल से जो हमने क्या किया उसका याद है, हाँ पूरा याद है। 8 साल से माँ के दूध पीने का मुझे याद है, मैंने माँ के दूध पिया था, इस वक्त हमको याद है। 1.5 साल को हमने इस तरह दूध कभी कभी पीता है, कभी दूध को खराब समझता है, इस तरह से क्या ना वो निकाल देता था। हाँ, सिर्फ 1.5 साल से ज्यादा नहीं पिया था हमने दूध। वो सब याद है? हाँ हाँ जी, वो मुझे याद है। तो इससे कैसे आपको इतनी याददाश्त? वो याद हमारा अल्लाह ने आपका दिमाग रख किया तो याद रहेगा ना। क्या बोल क्या कल बात की बात नहीं जी। मुझे तो कल की बात याद नहीं रहती। वो कोई कोई आएगा ना, कोई किसी को परसों क्या खाया, परसों क्या किया, उसका याद नहीं रहेगा। कोई इंसान का कोई कई कस्म का होता है इंसान। हाँ जी, 100 में से बोलता है, 100 में से 10-15 इंसान होता है, दूसरा और कस्म का होता है भी बोलता है हमारे जबान। हाँ, कोई लुम्बड़ी का दिमाग, कोई भेड़िया का दिमाग, कोई चीता उसी तरह से आता है, कोई होता है चिड़िया और या क्या नाम कबूतर बोलता है, कौवा बोलता है, बहुत सारे हैं ना, उनका अकल होता है, बोलता है। वो बुद्धिस की किताब में भी है, हमारी किताब में भी है। आपको जाफर? हाँ जी। आप कभी अप्पी के साथ झगड़ा वगड़ा हुआ है कुछ? वो थोड़ा बहुत होता है। अच्छा? हाँ थोड़ा बहुत होता है। ना शीशी हाँ क्या कर अभी हम बुजुर्ग होने पर इन्होंने जरा दुखा करता है ना, कभी कभी मेरे बात को नहीं मानता है, तो मैंने तो कुछ बात बोलना चाहिए। अगर मेरे बात को नहीं माने तो मैंने भी थोड़ा जबरदस्ती से बात बोलना चाहिए ना, तो उन्होंने डांडा उठा के मारता है। आज डांडा उठा के मारता है, हाँ डांडा उठा के मारता है। अभी वक्त हो गया, क्या करेगा? अगर नहीं है जवानी वक़्त में होता तो अगर इन डंडा से मारे तो मैं फॉलो करके दे दूंगा किसी न किसी को। मैं क्या मैं कहता बताए फॉलो मैं करूंगा, ये क्या करेगा? क्योंकि ये मेरा घर है। अच्छा Thank you.
तनास मुलुक से चीख तुलुम से दासम सोलाए थोलो नोला अनास मुलुक से चीख तुलुम से दास मुख पाव से लेर नारिक सुनंगल ये रंग क्यों चिगा सोमलाए मुख से